देखिए आप, साथियों आपके लिए वीडियो बना रहा था, पैर स्लिप हो गया, तो आप देख सकते हैं पैर की मेरी गंदी हो गई है, तो वो मैंने अभी हम यहाँ पर अर्जेंटीना जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं काउंटर है, काउंटर में हम यहाँ से टिकट ले रहे हैं, टिकट लेकर सीधा हम यहाँ से इस रास्ते सीधे निकल जाएंगे। और मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पर एक व्यक्ति के सिर्फ एंट्री के ही 15 रुपये लग रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी कोई गाड़ियाँ निकलती हैं, देखिए ये गाड़ियाँ हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इन सबको यहाँ पर 20 रुपये एंट्री देनी पड़ेगी। और एक व्यक्ति जो जाएगा वो जो है 15 रुपये हेड यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे बोर्ड पर। यहाँ पर इस समय हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अर्जेंटीना घूमने के लिए आए हैं, और यहाँ पर घूमेंगे आज, फिर हम जाएंगे किसी प्रोग्राम में, जो प्रोग्राम होने वाला है मूल निवासी संघ का, उसमें हम जाएंगे। अभी आगे चलकर फिर दोबारा हम आपसे बात करते हैं। अभी जो साथी हैं शशि भूषण जी, उन्होंने टिकट ले लिए हैं, उनके हाथ में आप देख सकते हैं कितने का टिकट है, ये 15 रुपये का, ये भी टूरिज्म का है, केवल यहीं तक। हाँ, अभी हम आगे चल रहे हैं और अभी हमने एंट्री यहाँ से कर ली है, और ये कुछ साथी जो खड़े हैं ये भी हमारे साथ में ही हैं, और हम अब आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से आगे थोड़े से कदम पर ही बस मिलेगी और बस में हम बैठ कर जाएंगे। अभी हम अजंता की कैंटीन में आ चुके हैं और यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे हैं और भी साथ में। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने अपने लगेज यहाँ पर रख दिया है, हमारे साथ में समय आए हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद यहाँ से हम अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर जाएंगे। साथियों खाना खाने के बाद इस समय हम अजंता की गुफाओं के लिए चल दिए हैं, अभी वहाँ पर जा रहे हैं। और हमारे साथ शशि भूषण जी हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप। ये अजंता की गुफाएं हैं, बौद्ध साहित्य खुदा हुआ है गुफाओं के द्वारा, चित्रकलाकारी के द्वारा, और हम लोग चल रहे हैं। बाकी आप ये देखें पीछे भी हमारे साथ इस समय पीछे भी है, वो सब वहीं पे जा रहे हैं। और अभी हम आगे चल के आपको सब कुछ दिखाएंगे, इस समय हम बस स्टैंड के पर जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं छोटा सा पुल जो बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, तो छोटा सा पुल आ गया है और इस समय हम वहाँ पर चढ़ रहे हैं। एक है देखो कितना अच्छा पुल बनाया हुआ है, और इधर देखिए पानी भरा हुआ है, कम मात्रा में है मगर पानी है, चल रहा है। और ये बस स्टैंड आ चुके हैं, और यहाँ बस स्टैंड को स्टल बस के नाम से जानते हैं। और देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे जाने के लिए, आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, और काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी समय लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है, सभी लोग लाइन में लगेंगे, देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है। और बस में चढ़ने के लिए इतनी लंबी लाइन में जाना पड़ेगा, देखिए बस जा रही है। ये सभी बनते यहाँ से जा रहे हैं अपने बुद्ध विहार में, जहाँ पर ये मोनेस्ट्री में समय रहते हैं। ये अजंता की गुफाओं से घूमकर वापस जा रहे हैं। अभी बस के चलो आ जाओ, चलो आराम से, आराम चलो, आराम चढ़ रहे हैं ऊपर, आ गए एक लोग, कहाँ कहाँ किसको बैठना है, हाँ हाँ ठीक है चलो हम इधर ही बैठ जाएंगे, आ जाओ एक इधर को आ जाओ, हाँ इधर बैठेंगे अपने सीट पर बैठेंगे।
आगे आगे आ जाओ बच्चा सब आगे बैठो। अरे ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी ये हम यहाँ अपने एक सीट अलग से बैठो ना, थोड़ी सी दो मिनट में बस भर जाएगी और उसके बाद हम अजंता के लिए अजंता के गांव में प्रवेश करेंगे। हम पहले पहुंच जाए उसके बाद ही करेंगे। अब हम निकल चुके हैं अजंता के गांव के लिए, वहां पर जाके देखेंगे क्या क्या है और मैं आपको दिखाता हूँ। जो समय इतनी भरपूर नहीं है चाहिए, अभी तक हम चल रहे हैं पहाड़ों में और साथ में ही ये नदी भी हमारे साथ ही है और पेड़ पौधों की वजह से आपको इतनी दिखाई नहीं दे रही होगी। और आप देख सकते हैं बस के अंदर इतने सारे लोग हैं, वही समय देख सकते हैं आप क्या ये बाहर का आप नज़ारा देख लो। और हम आगे चार किलोमीटर अब हम उतर रहे हैं और हमारे जो साथी हैं वो सब उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय शशि भूषण जी भी हैं और हम अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी आ चुके हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ इमेजेस लगी हुई हैं। को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर एक छोटा सा फॉल बनाया हुआ है, यहाँ पर वाटरफॉल है छोटा सा जिसमें पानी जो बह रहा है वो मैं आपको दिखाऊँगा और उसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी गेट बनाए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा नज़ारा है और ये भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा, कितना सुंदर वो हो अद्भुत अद्भुत नज़ारा है ये पहाड़ों के बीच में। पहाड़ों के बीच में मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं पीछे वाटरफॉल है, देखिए एक डैम बना रखा है छोटा सा बना हुआ है, देखिए आप पीछे भी ये पहाड़ ये वादियाँ, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं जीना चाहते हैं इस जगह पर, बिल्कुल शांत माहौल एकदम शांत, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, इतनी अच्छी जगह है। और मैं यहाँ पर आया हूँ अजंता की गुफाओं के पास, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप भी एक बार देखें यहाँ पर कितना अच्छा माहौल है, कितनी शांति है, कितना अद्भुत नज़ारा है। चलिए आगे भी हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ के देशों के मैप हैं, दूसरे देशों के सबके मैप हैं और यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उन सब की इमेज हैं और दिल्ली की कुछ इमेज हैं, कुछ गाज़ियाबाद की हैं, कुछ आगरा की हैं, कुछ लखनऊ की हैं, कुछ महाराष्ट्र की हैं, कुछ हर जगह की यहाँ पर इमेजेस लगा रखी हैं। और यहाँ सामने से आप देख रहे हैं हम वहाँ सामने से एंट्री करेंगे और सीधा अंदर जाएंगे, आगे हम लेके चलते हैं आपको। हम इस समय अभी ही समय हम अजंता की गुफाओं में चढ़ने के लिए तैयार हैं और चढ़ रहे हैं, थक भी गए हैं काफ़ी, ऊपर आ गए हैं आप देख सकते हैं पीछे में पीछे पहाड़ियां हैं और यहां पर चारों तरफ आप देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, नीचे की नदियां देखिए आप देख सकते हैं, नीचे नदियों में लोगों खड़ा होते हुए और ऊपर हमारे साथी सब चढ़ रहे हैं, पीछे पहाड़ियां हैं और वो सामने पीछे।
वो समझदार है, उसने मांगा है। मांगा नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे करते हैं। इसके दांत भी होंगे? दांतों पे छुकत ये बनी हुई है और आप देख सकते हैं पत्थर को कितना तरीके से काट कर यहाँ बनाई गई है। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है। अर्जेंटीना की गुफाओं में आ चुके हैं। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंद करा। इसका देखने का जो मजा है वो अंधेरे में ही है। सबसे बड़ी मेन चीज है कि अंधेरे में देखने का मजा है। सामने बुद्ध की स्टैचू है, आप देख सकते हैं ये अर्जेंटीना में बनी हुई जो गुफाएं हैं उसमें है। और यहाँ की जो आकृति है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए। सर 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 आप थोड़ा सा पूजा जल्दी जल्दी आप पीछे देख सकते हैं ये सब अजंता की गुफाएं हैं। और पीछे की तरफ भी सब निकल जाइए, पीछे पहाड़ है मेरे, ये सब पहाड़ है पीछे। और ये लोग इस समय अजंता की गुफाओं के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं पानी किस तरीके से बह रहा है पीछे से। ये हैं बुद्ध के समय की मूर्तियाँ, डिज़ाइन जो बुद्ध के समय के बुद्ध राजा हुए थे उन्होंने ये सब बनवाया था, आप देख सकते हैं। अजंता की गुफाओं के पास आप देख सकते हैं वाटरफॉल। ये देखिए पानी की मात्रा कम है मगर गिर रही है, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं, देखिए। और ये पानी सीधा यहाँ से होते हुए और यहाँ निकल रहा है और यहाँ से सीधा उधर की नदी में पहुँच रहा है। दोस्तों हम अजंता की गुफाओं में हम इस समय आए हैं और हम पीछे आप देख सकते हैं ये सबसे लास्ट वाला जो बुद्ध विहार है वो यहाँ पे बना हुआ है। जो बौद्ध के जो राजा थे, बुद्धिस्ट राजा थे, उन्होंने ये बनाया है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि इस समय हमारे साथ बहुजन गायक शशिभूषण जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं इस विरासत के बारे में, इसकी जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम पूछते हैं। जय भीम, जय भारत साथियों, मैं शशिभूषण आपका प्रिय गायक और आज मैं हूँ महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफाएं हैं उन गुफाओं में। ये गुफाएं हजारों साल पहले और हजारों साल में जाके बन के तैयार हुई और बीच में जब इन्हें विलुप्त करने का समय आया तो इनको जो बुद्ध से लोग नफरत करते थे उन्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन 1900 के आसपास एक अंग्रेज यहाँ जो घूमते घूमते यहाँ आया और घूमते हुए जब उसने देखा कि ये दरवाजे किस चीज़ के हैं और क्या हैं यहाँ, जब वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने की उसने कोशिश की और उतरा और जब वो इन कमरों में घुसा देखा तो वो दंग रह गया। और फिर वो यहाँ तक सारा विवरण लिखने के बाद में उसने और यहाँ से लौट कर बताया कि महाराष्ट्र के एक जो जगह है औरंगाबाद या जो ज़िला है ये, वहाँ पहुँचने के बाद में फिर लोगों को यहाँ बताया। फिर यहाँ भारत के जो पुरातत्व विभाग है उसने जब यहाँ की जानकारी ली और यहाँ देखा गया तो यहाँ इतनी विशाल बौद्ध गुफाएं हैं कि बुद्ध के पूरा सारा दर्शन और अंदर से पूरा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जो आज
जितने भी हमारे धरोहर है, चाहे वो नोएडा पार्क है, चाहे इंटरनेशनल सेंटर है, चाहे वो बाबा साहब का 26 अलीपुर है, उसमें यही आकृति बनाई गई है। और ये आकृति आप देख सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले इसी आकृति को यहाँ उन बौद्ध भिक्षुओं ने और उन राजा महाराजाओं ने, देखिए वहाँ फ़ोटो आप देखेंगे और ऊपर उनकी फ़ोटो देखेंगे, इन गुफाओं को कैसे तराशा है और कितनी अच्छी हैं। अंदर का नज़ारा भी आपको वीडियो के आगे देखेंगे आप, जो हम दिखा देंगे उन वीडियो के जरिए कि अंदर किस तरह की कितनी सारी गुफाएं हैं। और देखिए यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बुद्ध खड़े हैं, आशीर्वाद मुद्रा में हैं। और आगे देखेंगे तो थोड़ा वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं बुद्ध बैठे हुए मुद्रा में, हाथ टूटा हुआ है, हो सकता है कि वो भी आप बैठे हुए आशीर्वाद मुद्रा में हो। और आप इधर देखेंगे तो वहाँ हर मुद्रा में आप देखिए वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ सारी मुद्राओं में, जिन मुद्राओं का जिक्र 26 अलीपुर बाबा साहब के जो स्मारक है उस पर किया गया है कलाकृतियों से, वो यहाँ बुद्ध के जीवन से बैठे हुए पूरे चित्र के साथ कलाकृतियों को दर्शाया गया है कि आप देखेंगे। लेकिन 2500 साल पुरानी इन गुफाओं को देखकर लगता है कि आज भी बौद्ध विरासत जिंदा है और बौद्धों का देश, बौद्धों की विरासत यहाँ जिंदा है। लेकिन बौद्धों से नफरत करने वाले लोगों ने भी कसर कुछ नहीं छोड़ी है और भारत से लेकर बामियान तक, पाकिस्तान तक उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन धन्य है ये विरासत, जो सुबह सूरज निकलता है तो रोशनी इन्हीं बौद्ध विरासतों पर पड़ती है और इस भारत को चमकाते हैं। और भारत इन्हीं बौद्ध विरासतों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। आप यहाँ मैं देख सकते हैं, दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे, यहाँ मैं इशारा करता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ की 2500 साल में देखिए हमने क्या खोया क्या पाया। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी पुरानी कलाकृति है, क्या फ़ोटो होगी, 2500 साल में एक ख़त्म तो हो गई है, लेकिन फिर भी आज हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या कलाकृति होगी। यहाँ बुद्ध खड़े होंगे जो दिख रहा है, और धीरे धीरे लेकिन समय के साथ साथ जो भारत सरकार को करना चाहिए था, इनको रिपेयर करके, इनको और साफ़ करके, इनको दोबारा से थोड़ा मरम्मत करने का कार्य करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार भी, राहुल सांकृत्यान एक बात कहते हैं कि वो अपने कहते हैं कि सरकार अंबेडकर को भुलाना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने देते, और सरकार गांधी को जग में बताना चाहती है लेकिन लोग भूलना चाहते हैं। तो यही विरासत है, सरकार इस विरासत को ख़त्म करना चाहती है लेकिन यहाँ की ये विरासतें और ज़्यादा निखर निखर के सामने आती हैं। तो सरकार अगर चाहे तो इनको और भी सुंदर यहाँ बना सकती है, यहाँ पर्यटक स्थल के साथ साथ में यहाँ ऊपर और भी ऐसी चीज़ें बना सकती है, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं है। बल्कि यहाँ से इतना पैसा भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार को जाता होगा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सारा विशाल धरोहर बुद्ध का साम्राज्य है। और मैं चाहूँगा कि ये दिखाऊँ, ये मेन गुफा है, इसमें बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं अंदर हैं, लेटी हुई प्रतिमा है। और देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, आप इधर एक बार देखें, मेरी उंगली की तरफ दिखाइए, यहाँ से देखते हुए देखिए वहाँ तक जाइए, कम से कम 1 किलोमीटर लंबी ये गुफाएं हैं और वहीं तक सारी गुफाएं हैं। और हर गुफा में अलग अलग मेडिटेशन सेंटर के जो कमरे हैं वो बनाए गए हैं, और सभी कमरों में रोशनी जाने का प्रबंध, यानी कि जब सूरज निकलता है, अब मेरा जो फेस है वो बिल्कुल पूरब की तरफ है, सामने मेरे सामने से सूरज निकलता है, पहली किरण इसी कमरे में अंदर पड़ती है और वहाँ से ये घूमता हुआ देखिए मेरे पीछे से, वहाँ से सूरज की किरणें घूमती हुई सभी कमरों में जाकर, और वहाँ जो सूरज है वहाँ अपने को नतमस्तक करता है बुद्ध के सामने जाके, वहाँ छुप जाता है। तो देखिए कि उस वक्त में जिसने भी ये बनाई हैं उसने कितनी अच्छी जगह को ढूंढा है कि सूरज पहले यहाँ प्रणाम करेगा और शाम को वहाँ उनके चरणों में नतमस्तक होगा, और इस तरीके के हर कमरे में रोशनी जाएगी। और इतनी अच्छी सुंदर कलाकृति यहाँ बनाई गई है, और हर भारतीय को, हर उस बौद्ध को यहाँ आना चाहिए, जीवन में एक बार यहाँ जरूर आएँ, बुद्ध का दर्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और हमारी विरासत, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आने वाले समय में हमारा सीना कितना चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हम बुद्ध के वंशज हैं, और बुद्ध की विरासत यहाँ पड़ी है, पूरे देश में पड़ती है, जहाँ इस देश को खोदते हैं, यहाँ तक कि हम समुद्र में भी जाते हैं तो वहाँ भी बुद्ध मिलते हैं। ये देश बुद्ध का है, ये देश बुद्धों का है, ये देश बौद्धों का है, लेकिन बुद्ध से नफरत करने वाले भी इस देश में कम नहीं है। लेकिन हमने प्रेम प्यार करुणा से इस पूरी दुनिया को जीता है और आगे भी जीतते रहेंगे। और बाकी मैं देखूंगा कि आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी जो कमरे हैं उनका धीरे धीरे वर्णन हम छोटी छोटी फिल्मों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, और गाना भी सुनेंगे आप बहुत अच्छे गाने के साथ। आप देखिए अजंता की गुफाएँ। साथियों, इस समय हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस पुल की तरफ से चल लिए हम, और यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं।
देख सकते हैं आप, उस पुल तक जाना है। और हमने इस समय जो पूरा अजंता की जो गुफाएं हैं वो हमने देख ली हैं, और देखने के बाद हम वापस व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये बंदर भी हैं। देखिए ये देखिए बंदर हैं, लंगूर हैं, और आप देख सकते हैं। और अब देखो एक लंगूर ये बैठा, देख गया आपको। और अभी हम चलेंगे, और अब इस समय हम ये पुल जो है जहाँ पे भी हमने मैं बोला था कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अभी पुल पे हम आ चुके हैं। पीछे से आप देख सकते हैं किस तरीके का पुल है, और कितनी शांति यहाँ पर है। आप देख सकते हैं आवाज़ शोर, देखो सिर्फ पानी का, सिर्फ पानी का शोर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ तक भी हम जाएंगे, हम आपको झरना पूरा दिखाएंगे पीछे से। हम देखिए अब दिखाते हैं पीछे पानी है मेरा, और पीछे जनता की दुकान जो बनी हुई है, और आप देख सकते हैं देखिए पानी है। और हम इसी पुल के ऊपर हैं, तो पीछे आप जनता गुफाएं देख रहे हैं। ये सारी जनता गुफाएं हैं जो बुद्ध समय के जो शासक रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर शासन किया है, उन्होंने ये बुद्ध के लिए बनाई थी। पीछे आप लोग देख सकते हैं, लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। और आप भी देख सकते हैं, देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ बड़ी ठंडी हवा चल रही है, पेड़ पौधे, आहा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। एक तो लंबे जी थमती में है। अरे जब हमारे पास बहुत है, क्या सामान बेच रहा है हमारे पास, तो लेकिन है ही तो हम नहीं ले सकते। और आप देख सकते हैं इसमें जंगल ही जंगल है। और यहाँ आप, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें बना हुआ है मेरे पीछे, देख सकते हैं आप ये नदी का जो इस समय ब्लू कलर जो दिखाई दे रहा है, नदी का है। और नदी किस तरीके से घूमी हुई है, और ये आप देख सकते हैं पीछे, और एकदम अच्छा व्यू, क्योंकि मैं यहाँ भी पहली बार आया हूँ, इसलिए यहाँ घूमने का मन हुआ औरंगाबाद आने का, तो सोचा हम यहाँ पर भी घूम लेते हैं। यहाँ जनता की गुफाएं हैं जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे बनाई है। आप जो पीछे रास्ता देख रहे हैं, हम इस रास्ते पे चलकर अब सबसे ऊपर एक चोटी है, उस चोटी पर जाएंगे। और लगता है कि अब हम थक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल सब पैड़ी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि आप प्लेन पे चढ़ तो सकते हैं, जो प्लेन रास्ता है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जब आप इसे सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर दिक्कत आती है। और यहाँ हम, मुझे लग रहा है कि मैं थक जाऊँगा, और कोशिश कर रहा हूँ कि चढ़ता रहूँ। चढ़ाइयों को चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपना इतिहास बड़ा ही मुश्किल से बना हुआ है, इसलिए हम, मुझे चढ़ना होगा चढ़ाई पर। आप देख भी सकते हैं मेरी सांसें फूल रही हैं, मगर जय भीम, देखो एक आगाज आई है जय भीम की। सारे साथी ऊपर चढ़ गए हैं, और मैं थक गया हूँ, मगर मैं रुक भी नहीं सकता, क्योंकि मैं रुका तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और पीछे आप देख सकते हैं अजंता की गुफाएं। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चढ़ के फिर आपसे बात की जाएगी, बने रहें।
साथियों मैं नहीं आना चाहता था, ये वो लोग हैं जो लेके आए जबरदस्ती के, चलो ऊपर देख लो, पहचान लो इन शख्स को, जहां मिले वहां घेर लेना इनको, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, कि ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं अजंता की गुफाओं को दिखाने के लिए। गुफा तो देख लिया, और भी तो दिखानी पड़ रही है पीछे, और दिखाना है अब क्या है, अब थोड़ा जो है ना ये इन शख्स को पहचान लो, ये बहुजन गायक शशि भूषण जी हैं जो हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। बढ़िया है ना, पूरा व्यू देखने मिलेगा बोर्ड को। ये यहाँ पे संरक्षण स्मारक पे 100 मीटर की निश्चित क्षेत्र में सही है। साथियों मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ, मगर मैं थक चुका हूँ, और आप देख भी रहे हैं किस तरीके से हालत हो चुकी है। जो हमारे साथी आए उन लोगों ने ऐसा कर दिया है, और पीछे जो आप देख रहे हैं इस समय वो अजंता की गुफाएं हैं जो बुद्धिस्ट राजाओं ने बनाई हैं, जो बौद्धों का जो इतिहास है उसको जिंदा रखा गया है। इन्हें बनाने में लगभग हजारों वर्ष लगे, सदियां बीत गई हैं, और पीछे आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये वाटरफॉल है, आप थोड़ा आगे आगे देखिए। जूम मत करो, जूम ना कर रहा था। देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू है, ऐसे व्यू को देखने के लोग विदेशों से आते हैं, हमारे इतिहास को जानने के लिए लोग बाहर से आते हैं कि बुद्धिस्टों का इतिहास क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है, उस समय इतने साधन नहीं होते थे, मगर उस समय की जो बनाई हुई आकृति हैं, जो मूर्तियां हैं, तो ये एक मेन आकर्षण का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है, ये सब एक आकर्षण का केंद्र है, और यही दर्शाता है कि बुद्धिस्ट साम्राज्य कितना फला फूला था। जो आज के समय में जो मनुवादी सरकार है वो इसे ख़त्म करना चाहती है, मगर ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय बुद्धिस्ट लोग कम थे, सब इतनी बड़ी विरासत तैयार हो गई थी, मगर आज तो असंख्यक हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती बुद्धों की, वो इस साम्राज्य को जरूर बचाएंगे। आप लोग देख सकते हैं ये वाटरफॉल है, तो कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना अद्भुत, कितनी शांति है इस जगह में, देख सकते हैं आप, वो कितना अद्भुत नज़ारा है। सामने सूरज है, वाटरफॉल है, और यहाँ पर देखिए आप बकरियाँ भी चल रही हैं, और पीछे आप गायें देख सकते हैं, ये देखिए ये गायें हैं, वो बिल्कुल इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा, ओहो अजी के बुझो, कितना बढ़िया नज़ारा है। चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। दोस्तों आपने इतना अच्छा नज़ारा देखा है कि देखिए कि एक वाटरफॉल है पीछे मेरे, आप देख सकते हैं ऊपर सूरज है, वाटरफॉल है, वो पीछे पहाड़ ही पहाड़, चारों तरफ मेरे पहाड़ हैं, ये कितना अच्छा नज़ारा है। और आप देख सकते हैं, ओहो देखिए मेरे पीछे वाटरफॉल अगवार आ गया है, और ये पेड़ पौधे, कितना अच्छा नज़ारा है, कि मन को कितना शांति पहुंचाने वाली जगह है, कि यहाँ पर आदमी आकर मन को एकदम शांत रख सकता है। और आप देख सकते हैं कि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ वाटरफॉल के बिल्कुल पास में, जो ये नदी है उस नदी के पास में, और आप पीछे देख सकते हैं बकरियां हैं, देखिए
बकरियां आपको दिखाई दे रही होंगी पहाड़ों पे, और साथ ही मैं नीचे से चलकर ऊपर आया, काफ़ी थक गया था, थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद मैं दोबारा से वापस यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको बिल्कुल पानी को बिल्कुल टच करके दिखाऊंगा जो वाटरफॉल है कितना अच्छा है और कितना गहरा है यहाँ से कि आदमी कोई गिर गया तो बचेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें देखने की होती हैं, ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है लोगों का कि ऐसी जगह पर घूमने को लोगों को बहुत ही कम मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये पानी सब नीचे जा रहा है और जहाँ से ऊपर आ रहा है ये देखिए, देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, कितना अद्भुत नज़ारा है। ऐसी जगह को लोग देखने को तरफ जाते हैं कि हमें भी देखने को मिले। आज मुझे मौर्य साम्राज्य में जो पहले बहुत बौद्धों की जो जगह थी जहाँ पे लोग आते थे रहते थे, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु आते थे, ये वो पहाड़ है। तो देखिए मैं चलता चलता बिल्कुल आप पास तक आ गए। आवाज़ सुनिए मतलब कितनी मतलब एक बेचैनी है इस पानी को समुद्र में मिलने की, ये मुझे छोड़ दो और मैं सिर्फ समुद्र में जाके मिलना चाहती हूँ जिससे मैं अपना जो अपना वचस है उसे खो देना चाहती हूँ, उसके साथ अपने मिलन में रहना चाहती हूँ। देखिए कितनी आवाज़ आपको मिलेगी, कितना शोर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं ये शोर ये संकेत देता है कि मुझे जाने दो, मुझे पकड़ो मत। देखिए आप साथियों, आपके लिए वीडियो बना रहा था, पैर स्लिप हो गया और आप देख सकते हैं पैर की मेरी गंदी हो गई है, वो मैंने सुखाने के लिए डाल दी है। अब मेरे पास सही नहीं है। कितनी शैतान है ये नदी, मतलब इससे मिलने गए और अरे भाई तू जा यार, काम हो गया, सारा कांड हो गया। अरे पैर स्लिप हो गया, इधर मेरा पैर स्लिप, हाँ उधर गिर गया, यहाँ पर यहाँ पर पैर स्लिप हुआ है मेरा यहाँ पर। अरे उधर काई थी, काई पे पैर रख गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत निकल जाएगी। एक भाई आके समझा रहा था कि यहाँ पे मतलब नाच करें इससे मतलब पैर स्लिप हो गया, मगर इसको आने में लेट हो गया, देर हो गई, इसने आप जाके समझाया, उससे पहले मेरा कांड हो चुका। उस मत को मुझे आ गई, अब मैं नहीं चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली चीज़ है यहाँ पर ये काई लगी हुई, काई का ऑलरेडी स्लिप होता है, इसलिए मैं गिर गया। कोई बात नहीं, मेरे को चोट नहीं आई, पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा सावधानी का मुझे देखे नहीं देखा, मैं फिर भी देख रहा था, मगर उसके बावजूद भी पैर मेरा स्लिप हो गया और मेरे को कुछ लग गई, टैंक मेरी ख़राब हो गई है, मगर कोई बात नहीं। वो मैं जहाँ से हमने अपना लगेज रखा हुआ है वहाँ से हम मैं पैन चेंज कर लूँगा और वहाँ से चला जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु इस जगह मुझे आने में इतना आनंद आया है, बहुत मुझे अच्छा लगा है और मैं चाहूँगा कि फिर दोबारा यहाँ पर आने का मौका मिले तो मैं ज़रूर आऊँगा। और आगे चलते हम इस समय औरंगाबाद पहुँचेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। अब हम औरंगाबाद के लिए निकल चुके हैं और हमारे साथ सुखी भूषण जी हैं, और आप पीछे भी देख सकते हैं एक नदी है और उसके पीछे जिस पुल से हम जाएंगे वो पुल आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये कुछ साथी हमें मिले हैं। जय भीम। जय भीम। कलबुर्गी कर्नाटका से। कर्नाटका से ये हमारे साथी आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और कुछ इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे शशि भूषण जी? हाँ देखिए, बौद्ध दर्शन है ये, यहाँ आने के बाद में पता चलता है, और जैसे ही जय भीम लगाते हैं तो हमारे जगह जगह के साथी जय भीम का उद्घोष करते हैं, तो हमारा भाईचारा आपस में ऐसे बन जाता है। देखिए भाई साहब कर्नाटक से हैं और हम लोग दिल्ली यूपी से हैं, और देखिए हमें लग ही नहीं रहा कि हम भाई भाई इतनी जल्दी बन गए, सिर्फ एक नारा जय भीम बोलते ही हमारा जो संबंध है वो ब्लड जैसा हो जाता है।
बाबा साहब से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सब बोलेंगे जय भीम। देखिए सभी लोग सिर्फ जय भीम का नाम सुनते ही एक जोश आ जाता है, एक विचार आ जाता है कि हाँ कोई हमारे साथ इस समय खड़ा है। ये एक नारा जिसने भी ये दिया है वो ये समझ लीजिए मुर्दे के अंदर जान भरने के लिए काफी है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। और अब हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं, जो अजंता की जो गुफाएं हैं यहाँ से निकल गए हैं। अब हम औरंगाबाद जा रहे हैं, अभी आगे चल के फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे। यहाँ पर हमने टिकट ले रहे हैं, इस समय हमने टिकट यहाँ से ले रहे हैं और अब अंदर जाने के लिए हम तैयार हैं। 7, 8, 9, 10 चलिए अंदर चलते हैं। हम अभी अंदर घुस रहे हैं, ये देखिए, और ये बस है जिस बस में हम जाएंगे। चलिए चलिए जी के छोड़िए, हम भी बैठेंगे, पूरी बस खाली है, इधर ही बैठ जाए। चलिए पूरी बस भरने वाली है। बस अब उतर रहे हैं हम बस से, और जहां हमने अपने बैग रखे थे वहां पर हम जाने के लिए तैयार हैं, वहीं पे ही जा रहे हैं। और बस पीछे छोड़ दी है और सभी साथी जो हमारे साथ हैं वो सब जा रहे हैं। वही पुल जिस पुल को हमने पहले दिखाया था, वही पुल अब आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से हम वापस जाएंगे और बैग लेंगे, बैग लेने के बाद औरंगाबाद के लिए प्रस्थान होंगे। मुझे क्यों बैठा, बैठने तो बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, देख रहे हैं ना। अब हम यहाँ से औरंगाबाद जाने के लिए तैयार हैं और हमारी गाड़ी आ गई है। अब हम अंदर बैठ रहे हैं और यहाँ से हम औरंगाबाद के लिए रेडी हैं और गाड़ी हमारी चालू हो चुकी है। हाँ तो आप कंफर्म कर लो, बोलो औरंगाबाद जा रहे हैं चलने का। चलो ओके, साथियों अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। जो ये गेट बना हुआ है आप उस गेट को देख सकते हैं, ये गेट है। और हम यहाँ पर कल सुबह में यहाँ पे अधिवेशन होने वाला है, मूल निवासी सभ्यता संघ पहला राष्ट्रीय अधिवेशन। ये स्टेडियम है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्टेडियम है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बस इसके अंदर हम घुस चुके हैं, अब आगे जा रहे हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं क्या हाल।